होस्ट का नाम तो बताइए सबको, तो जो भी जाएगा वो होस्ट पे ही जाएगा। ओके ठीक है यार, काफ़ी लोग कविताएं पोइट्री के साथ आए यार, मेरे को शायद इससे थोड़ा जमता नहीं है शायद, क्योंकि जब मैं पोइट्री सुनाता हूँ लोगों को मैंने देखा है बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन करने लगते हैं यार मुझसे। जैसे कि मतलब मैंने एक अंकल को सुनाया तो वो ऐसे करके देख रहे हैं मेरे को कि जैसे मैं क्या आँखों का समुंदर और वो हवाएं सी जुल्फें, अरे चम्मच में चम्मच, चम्मच में जीरा, मेरा दोस्त लाखों में हीरा, ये तो मेरी पोइट्री होने वाली है। तो इस तरीके से शुरुआत करते हैं। तो कितने लोग हैं या आईटी इंडस्ट्री से सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, मेक सम नॉइस। ओह ओके इतने हैं, 100 रुपये की ऑडियंस से ज़्यादा एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकता। ठीक है। तो एनीवन फ्रॉम मैकेनिकल सिविल जॉब्स कोई है? ओह दैट्स अच्छा। आईटी सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स का तुमने देखा है कि सबसे ज़्यादा ये लोग रोते रहते हैं कि कॉरपोरेट जॉब, कॉरपोरेट लेबर, भाई कॉरपोरेट मजदूर। तुमको पता है रियली में किसकी वर्स्ट जॉब्स हैं? मैकेनिकल सिविल जॉब्स देखी हैं किसी ने? सबसे पहले तो इनका प्लांट बहुत दूर होता है, एक दूसरे टापू पे ही होता है, ना इंसान की जात कोई देखने को नहीं मिलता वहाँ पर। तुम अगर किसी प्लांट विजिट करो, वोल्टास विजिट करो, कहीं पे भी करो, कोई देखने को ही नहीं मिलता। कोई जानवर नॉर्मल, कुत्ते बिल्ली नहीं मिलते, कुत्ते मतलब बाहर प्लांट के नहीं मिलते, अंदर तो होते हैं। तो ये काफ़ी होता है, एक बार उनको बस भी अगर कोई लेके जाएगी तो वो ब्लैक टिंटेड बस लेके जाती है पूरी, उनको ही नहीं पता कि कैसे बाहर से निकलेंगे। और एक बार पहुंच गए प्लांट के अंदर तो उनकी लाश ही बाहर आएगी, अब हो गया उनका, अब वो प्लांट में ही मरेंगे, ना कोई वहां पर लड़की, ना कोई वहां पर कोई और, बस मैनेजर और बंदे। तो हुआ क्या, बेसिकली मैं एक प्लांट में गया और बंदे लगे पड़े 12-12 घंटे, 8-8 घंटे लगे पड़े। मैं एक बंदे से मिला, यार तू कब इधर था, इधर तो कुछ खंभा जैसे हुआ करता था। तो वो कह रहा है कि मैं ही था भैया, आपने पीछे से देखा होगा मुझे। तो ये बंदे लगे पड़े हैं, और आईटी जॉब्स वाले इनको 2 घंटे काम करा लो इनकी कमर में दर्द होने लगता है, एसी में बैठ के कमर में दर्द हो रहा है, वहाँ 12-12 8-8 घंटे काम कर रहे हैं। यहाँ पैकेजेस मिलते हैं एनुअली, 12 लाख का पैकेज, 8 लाख का पैकेज आईटी इंडस्ट्री में। मैकेनिकल का पूछा है कभी पैकेज? 12,000, 20,000, 25,000, यही, वो भी मंथली की बातें होती हैं इधर। और वो मिलते कैसे हैं? तो मेरे को जो पहली तनख्वाह मिली थी 12,008 रुपये, और किस तरीके से मिली वो, एक लाइन में लगाऊं मैं, ठीक है लगाऊं, और फिर बाद में जिस उसने मुझे ऐसे दिए 10, 11, 12, ये ले तेरे 12,000 और ये पकड़ तेरे 8 रुपये। 8 रुपये भी पूरे नहीं देता था वो, 5 या 6 रुपये, मैं बोलता था 2 रुपये, 2 रुपये नहीं दिए सर आपने, तो कहता था दूं 2 रुपये। तो जिस कॉन्फिडेंस से वो बोलता था तो मुझे लगता था कि हाँ मिल गए मेरे को 2 रुपये। और भाई इस तरीके से ही मतलब बहुत यार ब्रूटल जॉब्स हैं यार मैकेनिकल सेल्स में, बहुत ब्रूटल जॉब्स। तुम इधर आ जाओ आईटी में, ठीक है, इधर एचआर होती हैं, एचआर ज़्यादातर लड़कियाँ होती हैं क्योंकि वो काटने में थोड़ा अच्छी होती हैं, तो इधर ऐसा होता है। लेकिन तुम इधर आ जाओ, यहाँ पर क्या किस तरीके का काम कराया जाता है भाई, ठीक है, यहाँ पर किस तरीके से, अगर मैं गया था एक बार तो नावेद लाइक यू डन रियली वेल इन दिस पास्ट वीक, सो लेट्स, देर इज एन इमरजेंसी विद क्लाइंट, क्या थोड़ा सैटरडे को काम कर लेते हैं, सैटरडे के लिए कंसेंट लिया जा रहा है। मैकेनिकल जॉब्स वालों को पता ही नहीं कि सैटरडे की छुट्टी हो सकती है, वो कर रहे हैं, उनको पता है बस संडे में ही छुट्टी है, स्कूल में भी संडे में छुट्टी, वर्क में भी संडे में छुट्टी, बस यही पता उन्हें। और भाई किस तरीके का ब्रूटलनेस मैं तुमको दिखाता हूँ। ये मेरे को एक, जब मैं शुरू में इंडस्ट्री में काम किया था तो ये कन्वेयर बेल्ट होती है, ठीक है, तो रेफ्रिजरेशन के यूनिट्स चलते रहते हैं, एक डी फ्रीज़र ये चल रहा है। तो मुझसे उसने कहा था, ए सुअर इधर आ, ये मशीन की माँ बहन किसने कर दी, ये थे भाई उसके डायलॉग। और ये तो मैं बहुत फिल्टर करके बता रहा हूँ तुमको, माँ बहन ऐसे बोले नहीं थे उसने। उसके बाद क्या होता है कि वो इस तरीके से चलता है, और फिर बस भाई ने जोक बुलवा दिया एक मिनट दिखा के। तो हुआ क्या कि इस तरीके से उसने पूछा, और यहाँ पर रिलेशनशिप्स बेकार हैं भाई। यहाँ पर मैं एक दोस्त से मिला, मैंने कहा कि यार मेरी मैकेनिकल जॉब है और मैंने साथ में अभी ऑटो कैड का कोर्स किया है। तो वो कहती है, जी मैंने भी सिलाई का कोर्स किया। सिलाई? मेरी 1 महीने की ऑटो कैड की कोर्स, तुझे तेरी सिलाई के कोर्स को एक साथ खरीद लेगी?
ये इस तरीके का चल रहा है भाई, अलग ही टॉर्चर चल रहा है इधर मैकेनिकल जॉब्स में। ओके दैट्स माय टाइम, थैंक यू एवरीवन।